बीजेपी कह रहे कि हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी हम है, तो हमें मौका मिलना चाहिए। येदियुरप्पा मुलाकात भी करने वाले हैं राज्यपाल से। ठीक है, लेकिन निर्णय आखिर किसको करना है? राज्यपाल को करना है। राज्यपाल क्या निर्णय करता है उस पर अवलंबित है। मान लीजिए बीजेपी ने उनको क्या 104 106 है, तो 106 से बनाया, तो यानी 6 लोग, 6 संख्या कम है उनके पास में, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो क्या होगा ये, इसलिए मैंने कहा कि राज्यपाल कौन सा निर्णय लेते हैं इस पर सारा अवलंबित है। और जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अंदाज है कि जब जनता दल यूनाइटेड के कुमार स्वामी जाएंगे तो उनके साथ यदि कांग्रेस के सदस्य विधायकों का हस्ताक्षर होगा उनके समर्थन में, तो संभवतः उनको ही बुलाएंगे। वो जिस तरीके इस चुनाव के परिणाम आए हैं, कांग्रेस को नकार दिया है वहाँ की जनता ने, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं, मोदी विरुद्ध राहुल गांधी, इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। पर आप मीडिया वाले ने ऐसा किया कि मोदी अगेंस्ट राहुल गांधी, तो इसमें ऐसा ही देखा जाए तो नरेंद्र भाई की जीत हुई है, राहुल गांधी का पराजय हुई है। कांग्रेस 100 का अंक भी पार नहीं कर पाई है और ये 100 के पार गए हैं। साधारणतः जो एग्जिट पोल्स थे उन्होंने यही बताया था, अधिकांश एग्जिट पोल्स ने, कि भाजपा को 99 से 105 तक सीटें मिलेंगी, वैसे उनको मिली है। लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने की कांग्रेस की जो रणनीति थी वो फेल कर गई है, आपको लगता है? ये नहीं कह सकते अभी, वो अलग मामला है। वो कांग्रेस ने मान्यता दे दी, लेकिन कि कांग्रेस से मान्यता से कोई नया रिलीजन नहीं बनता, वो तो केंद्र को ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि किसको माइनॉरिटी मानना और किसको नहीं मानना ये निर्णय कर्नाटक सरकार नहीं तय कर सकती, वो केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से समर्थन मिला है लिंगायत वोटों का बीजेपी को, ये पता नहीं इसलिए कि लिंगायत को कितना, लिंगायतों का कितना मिला, दलितों का कितना मिला और लोगों का कितना मिला, इसका इसके अंक मेरे पास में नहीं है, इसलिए इस पर कोई मत प्रदर्शन करना मुझे ठीक नहीं लगता। श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।